बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ट्रीट करने वाले हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन और मोटापे को विद द सिंगल रेमेडी। खून की कमी मोटापे का और आपकी रंगत के जल जाने का एक बहुत बड़ा सबब होती है, तो इस ड्रिंक से आपने करना है इन दोनों का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है ना? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी जो छुट्टियाँ हैं ना, लाइक विंटर वेकेशन, उनको आप इन्जॉय कर रहे होंगे, अनलाइक वी टीचर्स। खैर, जोक्स अपार्ट, मेरी जो आज की वीडियो है वो अपने अंदर लिए हुआ है एक बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं बनाने जा रही हूँ ना आज, एक बहुत ही स्पेशल किस्म की स्मूथी, उससे आप दो चीज़ों को मार सकते हैं, इसको भी और इसको भी। लाइक इससे आप दो चीज़ों को ट्रीट करेंगे, एक तो जिन लोगों का कलर थोड़ा सा सांवला है या जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है और वो चाहते हैं कि वो आजकल के हीरोइनों की तरह हसीन और जमील और खूबसूरत और गोरे चिट्टे हो जाएं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल की जो हीरोइंस हैं ना जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था, उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को लगवाए हैं वाइटनिंग इंजेक्शन और हो गई हैं गोरी गोरी। ठीक है, तो ये जो ड्रिंक है ना, ये वाइटनिंग इंजेक्शन से थोड़ी कम काम करने वाली नहीं है, बल्कि वाइटनिंग इंजेक्शन से भी बेटर काम करेगी आपके लिए विद द 100% गारंटेड रिजल्ट, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक तो करेगी आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही फेयर, सेकेंडली क्या करेगी, जो लोग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस या जिन लोगों का वेट थोड़ा सा बढ़ गया है और उसको वो वापस लाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी स्मूदी को यूज़ करना है। लेकिन ना यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं है कि स्मूदी जो है वो वाइट करने के साथ साथ आपका वेट हर सूरत गिराएगी, नहीं। आपने करना ये है कि इस स्मूदी को एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना वेट कम करने के लिए। अगर आप अपना वेट कम नहीं करना चाहते, जस्ट रंग गोरा करना चाहते हैं, तब भी ये स्मूदी आपके लिए उसी तरह से काम करेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो इस स्मूदी को करेंगे एक तरीके से इस्तेमाल, और जो आप गोरा भी करना चाह रहे हैं वो उसको करेंगे दूसरे तरीके के साथ इस्तेमाल। यानी एक साइड पे ये आपका रंग गोरा कर रही है, दूसरी साइड पे आपका वेट गिरा रही है, लेकिन दोनों के जो तरीके हैं ना वो मुख्तलिफ हैं। एक तरीके में आपने स्मूदी को डिफरेंट तरीके से लेना है, दूसरे तरीके में आपने स्मूदी को डिफरेंट तरीके से लेना है, बनेगी एक ही तरह से, लेकिन इसका जो इनटेक का तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो आपने रहना है मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो जनाब, इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना है ना वो बहुत ही सिंपल है और सर्दियों में हर घर के अंदर वो मौजूद होते हैं। ठीक है, उनमें शामिल है गाजर, उसमें शामिल है सेब, इसके अंदर शामिल है पालक, इसके अंदर शामिल है चिकंदर, और इसके साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है एक अदद मौसम्बी का जूस। और अगर आपको मौसम्बी अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह माल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। माल्टा भी अवेलेबल नहीं है तो किन्नू इस्तेमाल कर लें, किन्नू इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फ्रूटर ले लें। और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं एक अदद लेमन। लेमन जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो तुर्श ज़्यादा होता है, तो जिन लोगों के गले बहुत सेंसिटिव हैं वो कोशिश करें कि मौसम्बी का इस्तेमाल करें। इसके अंदर नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, अगर आप उसको डायरेक्ट भी अपनी स्किन के ऊपर लगा लेते हैं ना तो भी जो आपकी स्किन है ना वो लाइट होना शुरू हो जाती है, तो जब आप पियेंगे तो फिर तो वाहवाही हो जाएगी। ठीक, पालक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेट लॉस में, वेट लॉस के साथ साथ वो आपकी स्किन को भी रेजुविनेट करती है। गाजरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ों में जो है ना मिक्स करके फेस पैक बनाए जाते हैं टू गेट द ब्यूटीफुल स्किन। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर मौजूद है वो है बीट रूट यानी चिकंदर। इससे बाल अच्छे होते हैं, इससे स्किन अच्छी होती है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन इससे बहुत कुछ ही हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो बीट रूट करती है ना, उसका काम ये है कि आपकी स्किन को ना वाइट करने के साथ साथ उसको पिंकिश वाइट करती है। वो जो नहीं मरी मरी पेल येलो सी और पेल वाइट सी स्किन होती है वैसी स्किन नहीं करती, बल्कि आपकी स्किन को पिंकिश नेचुरल ग्लो देती है। तो बीट रूट का अगर आप 15 डेज तक कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद आप कहेंगे हिना आपकी आपने वाह करवा दिया है। ठीक है, इसमें एप्पल इस्तेमाल करना है, और एप्पल जूस जो है ना वो तो आपको पता है कि वेट रिडक्शन में, वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि स्मूदी बनेगी तो पियेंगे ना, तो हमने बनानी कैसी है आइए चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाह करूँगी, इंग्रेडिएंट की तरफ आती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एप्पल यानी सेब। ठीक है, जो एप्पल जूस है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होते हैं, और ये वो जूस है जो कि आपका वेट रिड्यूस करने में आपकी जो डाइट है ना उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। उसकी रीज़न ये है कि एप्पल जूस जो आपके स्टमक को फिल रखता है, जिसकी वजह से ना आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि इस जूस की वजह से आपका जो स्टमक है वो फिल रहता है ना, तो आपको किसी किस्म के स्नैक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्नैक्स जो हैं अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फैट्स को स्टोर करते हैं। एप्पल जूस के अंदर ना फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा केजीज है ना उनको शेड करने का काम करते हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो आपका पहला इंग्रेडिएंट हो गया एप्पल।
दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा मौसमी। सिट्रिक जूस जो मौसमी के अंदर होता है ना, वो क्या है कि वो आपकी स्किन को अंदरूनी तौर पे ना बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देता है और आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से ग्लो देता है। इसके अलावा अगर वेट लॉस की बात की जाए तो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में होता है जो कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है। मौसमी के जूस में ना नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जी तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा बीटरूट या चिकंदर, ठीक है, इसको मैंने छील के रखा हुआ है। तो इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में होता है जो कि ना स्किन पिगमेंटेशन में काम करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन होता है, फॉस्फोरस है, प्रोटीन है, और ये सब चीज़ें मिलकर ना आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी जो है ना ग्लो दे देती हैं, लाइक आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो पिंकिश वाइट हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी जो पफ़ी आइज़ हैं या जो डार्क सर्कल्स हैं उनको भी ट्रीट करते हैं, बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। आपको ना ये मोटापे में तो एज सच हेल्प नहीं करता, क्योंकि ऐसे कोई एज सच एविडेंस नहीं मिले बीटरूट के बारे में जो कि आपके वेट लॉस में असिस्ट करते हो, बट ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गिव अ पिंकिश वाइट कॉम्प्लेक्शन टू योर स्किन। बीटरूट के बाद बारी आ जाती है पालक या स्पिनच की, तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके स्टमक को जो है ना ये फिल रखता है। इसकी वजह ये कि इसके अंदर रिच इन सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कि की एलिमेंट है फॉर द वेट लॉस। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन ए और विटामिन सी, और इसके अलावा जो विटामिन ए है ना वो आपकी स्किन टोन को हेल्प करता है, जो कि विटामिन सी है वो आपकी स्किन की जो सेल्स हैं ना जो कि डैमेज हो चुके होते हैं उनको रिपेयर करता है। तो आपको ये चाहिए तकरीबन 3 से 4 या 4 से 5 पत्ते, ठीक है, तो ये आपकी स्मूदी को बहुत अच्छा टेस्ट भी देंगे और इसको हेल्दियर भी बनाएंगे। इसके बाद बारी आ जाती है गाजर की, तो गाजर के बारे में अगर बात करें तो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ना बहुत ही मिनिमम कैलोरीज होती हैं और आपके स्टमक को ये फिल भी रखता है, आपको भूख जल्दी नहीं लगती, और इसके साथ साथ ये ब्लड बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो जिन लोगों के अंदर ब्लड डिफिशेंसी हो जाती है ना, तो उसके लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो आपने एक अदद गाजर जो है ना जो इस हद तक बड़ी हो आपने उसको इस्तेमाल करना है इस स्मूदी को बनाने के लिए। तो जी अगर आपके पास मौसमी नहीं है तो आप माल्टा इस्तेमाल कर लें, माल्टा अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप एक अदद लेमन इस्तेमाल कर लें। तो मतलब कहने का ये है कि इन 3 चीज़ों में से आपके पास किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे पास मौसमी है तो इसका मैं जूस निकाल लूँगी। तो जनाब मैंने मौसमी के जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, ये सामने मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अब बारी आती है इन सब चीज़ों को डाइस करने की। तो जी बिस्मिल्लाह करके चॉप 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 किया गाजर को और कर दिया मैंने गाजर को एक साइड पे। नेक्स्ट मैंने ले लिया सेब, चॉप 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 चॉप, फिर इसके बाद इसको मैंने इस तरह से पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करने के बाद छिलके साइड पे करके चॉप 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 करें और कर दें इसको भी साइड पे। पालक को चॉप चॉप किया और इसको भी कर दिया मैंने एक साइड पे। इसके बाद बारी आ गई चुकंदर की, चुकंदर को थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल से चॉप चॉप किया और इसको भी कर दिया मैंने एक साइड पे। ये रही गाजर, सेब, पालक, चुकंदर और ये रहा मौसमी का जूस। तो जी ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने शिफ्ट करने हैं ब्लेंडिंग जार के अंदर। ये मैंने ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दी है पहले गाजर यानी कैरेट, साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने चॉप करके सेब रखे हुए थे, एप्पल्स आपने ऐड कर दिए। फिर पालक की बारी आ गई, पालक के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए चिकंदर, चिकंदर के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने एक अदद मौसमी का जूस जो है ना एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था। तो ये चला गया मौसमी का जूस ब्लेंडिंग जार के अंदर और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास पानी जो है वो ऐड कर दूंगी, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से स्मूदी तैयार हो सके। इस स्मूदी से ब्लड डेफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खून ना होने की वजह से जो जिस्म फूल जाता है, जो मोटापा हो जाता है वो ख़त्म होता है और कलर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और खिल जाता है। तो मैं इसको निकाल लूँगी इस ग्लास के अंदर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके तकरीबन 2 से 2.5 ग्लास बनते हैं। तो ये आपका एक ग्लास तैयार हो गया है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट कलर गेन करने के लिए और साथ साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस योर वेट। तो दूसरा कप है आपके पास, आपने करना ये है कि जो एक्स्ट्रा है उसको आप इस तरह से एक आपके पास जो भी डिस्पोजेबल ग्लास है आप उसमें डाल लें, क्योंकि अगर आप वर्किंग वुमेन है मेरी तरह से तो आप इसको आप अपने वर्क प्लेस पर लेके जा सकते हैं और आप इसको पी सकते हैं आराम से एट योर वर्क प्लेस। तो आपने इसमें कोई सॉल्ट कोई शुगर ऐड नहीं करनी, ये आपकी परफेक्ट स्मूदी है टू रिड्यूस योर वेट एंड टू गेट द पिंकिश फेयर कॉम्प्लेक्शन दैट वुड गिव अ ग्लो टू योर स्किन इन ओनली 15 डेज। तो जनाब हमारी स्मूदी तैयार हो चुकी है, ठीक है, ये जो डिस्पोजेबल ग्लास है मेरे हाथ में, तो इसको मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। आप यकीन करें कि बहुत ही यम्मी होती है। इवन तो आपने इसके अंदर कोई एडिटिव ऐड नहीं किया, आपने इसके अंदर कोई शुगर नहीं डाली, आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली, लेकिन जो एप्पल है और जो मौसम्बी है ना उसके जूस की वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो यम वाला हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीन करें बहुत ही मज़े का है और इसके अंदर ना छोटे छोटे चंक्स आते हैं, उसकी वजह से आपके जो स्टमक है ना वो बिल्कुल फिल रहता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, ठीक है।
तो आपने इस ड्रिंक को ज़रूर पीना है, क्योंकि आपको ये गोरा चिटा होने के साथ साथ ना आपका जो वेट है उसको बहुत जल्दी नीचे लेकर आएगी। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस जूस को पीना किस तरह से है, ठीक है। अगर आप जस्ट गोरा होना चाह रहे हैं, पतला होना नहीं चाह रहे, फिर क्या करना है? तो फर्स्ट केस में आपने करना ये है कि आपने इस जूस को पीना है दो दफ़ा, ठीक है। एक आपने पीना है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन आपने इसको नाश्ते से पहले पी लेना है 7 से 8 के दरमियान में, ठीक है। वो आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम देख लें कि जिस वक्त आप नाश्ता करते हैं आपने उससे 30 मिनट्स पहले जो है आपने इस जूस को, इस स्मूदी को पीना है। और रात को आपने क्या करना है कि खाना खाने के बाद, ठीक है, बिफोर बेड टाइम जब आप सोने के लिए जाएंगे तो उससे आपने सोने से 30 मिनट्स पहले जो है आपने स्मूदी ले लेनी है और फिर आपने सो जाना है। 15 दिन के अंदर अंदर ना आप अपनी स्किन के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे, यानी कि आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी आ जाएगी, ग्लोई हो जाएगी, इसके साथ साथ वाइट हो जाएगी और वो भी पिंकिश वाइट, ठीक है। आप लाइटें मारना शुरू कर देंगे, सही हो गया। आ जाऊंगी दूसरे केस की तरफ जहाँ पे हमने वाइट भी होना है, जहाँ पे हमने अपना वेट भी कम करना है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने स्मूदी को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताती हूँ। नाश्ते की जगह आपने स्मूदी को लेना है तकरीबन 7 से 8 के दौरान, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि आप डाइट पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि तकरीबन 10 से 11 के दौरान आपको जब भी भूख लग रही है तो दूसरा पैक आपने अपने पास रखा हुआ है ना, ठीक है, आपने उस पैक को पी लेना है। तो ये 8 से 10 के दौरान ना आपने खाना पीना कुछ नहीं है, ये नहीं हो कि आपने कहा स्मूदी भी ले ली, खैर कुछ नहीं कुछ और भी खा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बात यह ना कि स्मूदी को आपने क्या किया है, सीव नहीं किया, छाना नहीं है। तो जब आप छानेंगे ही नहीं तो उसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं ना जो कि सही तरीके से चॉप नहीं हुए, बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए, तो वो चंक्स में रह जाते हैं। चंक्स में 2-3 चीज़ें रहती हैं, एक तो चुकंदर के छोटे छोटे चंक्स आएंगे आपके मुंह में, इसके साथ साथ एप्पल के, ठीक है। बाकी चीज़ें तो बहुत ही स्मूथली जो है वो ग्राइंड हो जाती है। तो ये जो 2-3 चंक्स होते हैं ना एप्पल और चुकंदर के, तो ये आपके स्टमक को फिल रखते हैं, जिसकी वजह से ना आपको भूख नहीं लगती और जो फैटनिंग किस्म के फूड है ना आप उनको खाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अच्छा, इसके साथ ये होता है कि आपके जो रिंकल्स आ रहे होते हैं, जो फाइन लाइन्स आ रहे होती हैं या एजिंग के साइंस होते हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप यकीन करें कि सर्दियों में ना ये आपके लिए एक मैजिकल ड्रिंक है जो कि ना ही आपका वेट कम कर रही है बल्कि आपको इतना वाइट कर देती है ना कि आप पिंकी पिंकी वाइट हो जाते हैं। तो पिंकी पिंकी वाइट होने के लिए और अपना वेट रिड्यूस करने के लिए आपने करना है इस स्मूदी पर रिलाई। तो जनाब आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान था, ठीक है। सुबह सुबह उठ के आपने 5 चीज़ों को मिलाना है, मिक्स करना है, ग्राइंड करना है, कप में डालना है, पी जाना है, गोरा चिट्टा हो जाना है और पतले भी हो जाना है, ठीक है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और आजकल तो बनाना और भी आसान है क्योंकि आजकल सुबह छुट्टियाँ हैं और आपके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, तो कम से कम स्मूदी तो बना सकते हैं ना गोरा चिट्टा होने के लिए, अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज नो पेंस नो गेंस। तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है अपने आप को 4 चांद लगाने के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों के साथ। और जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से हाजिर होंगी किसी नई रेमेडी के साथ, किसी नए देसी टोटके के साथ, या फिर किसी नई रेसिपी के साथ, या फिर किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।